युगो युगो से चल रहा है मेल। ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल, ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष आज का राशिफल बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं 10 वर्ष की आयु से ही अपने पूजनीय पिताश्री गुरु रजनी शिशि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको सावधान रहना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 4 मई 2020 दिन सोमवार, वैशाख मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज एकादशी तिथि सुबह 6:12 तक रहेगी और उसके पश्चात द्वादशी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त जो कि किसी भी कार्य को करने का एक शुभ मुहूर्त होता है, सुबह 11:51 से लेकर 12:45 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 7:18 से लेकर 8:58 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, मैं जो आपको ये डेली राशिफल बताता हूँ ये आपके चंद्र गोचर पर आधारित संकेत मात्र है। आप इनके हिसाब से अपने दिन की प्लानिंग कर सकते हैं, परंतु उसमें देश काल और परिस्थिति की प्लानिंग को भी साथ में जोड़कर ही आप अपने दिनचर्या की जो दिशा है उसको निर्धारित करें। प्रिय भक्तगणों, यदि आप में से किसी ने भी हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबा के हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं और हमारी इन वीडियोस को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। इस समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी, जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यज्ञों महायज्ञों के आयोजन करने में, हर मंगलवार और हर शनिवार को प्रसाद वितरण करने में और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती है। प्रिय भक्तगणों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से आप अपने इंटरव्यूज में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने क्लाइंट्स को यदि आप किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो उसमें पहली ही नजर में प्रभावित करके अपनी कंपनी के लिए अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट जीत सकते हैं। और जब भी आपको किसी व्यक्ति पर एक अच्छा इंप्रेशन डालना हो तब आप इस उपाय का प्रयोग कर सकते हैं। आपको आज गुरोचन, कांगनी, लाल चंदन और कमल पत्र इन सबको पीस कर एक पेस्ट बना लेना चाहिए और उस पेस्ट का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। निश्चित तौर पर आज जो भी व्यक्ति उस तिलक को देखेगा वो आपसे प्रभावित हो जाएगा। मेरा नाम संगीता सिंह है। कहाँ रहते हो? दिल्ली शास्त्री नगर। गुरुजी ने मुझे बताया था रिंग्स के लिए, मैंने 3 साल पहले वो रिंग्स बनवाई थी तो उसका मुझे अच्छा इफेक्ट हुआ था। 1 महीने बाद मुझे असर दिख गया था। उस टाइम पे मैं थोड़ा नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम में थी, लेकिन उसके बाद 1-1.5 साल मैंने बहुत अच्छा टाइम देखा। गलत जब मैं आई थी यहाँ पर तो कर्जा था मेरे ऊपर, लेकिन उसके बाद मैंने 1-1.5 साल में जब जो रिंग्स बनवाई थी गुरु जी के थ्रू तो उसका अच्छा इफेक्ट हुआ था, कर्जा भी उतरा। प्लस उस टाइम पर मैं गुरु जी से ये पूछने आई थी कि गुरु जी मेरा मकान कभी होगा अपना? अभी मैं अपना मकान खरीद लिया है, मैंने कई जगह जाकर देखा ऐसे, लेकिन मुझे कहीं विश्वास नहीं हुआ। यहाँ पर क्या है कि धोखा नहीं लगा सबसे बड़ी चीज, और झूठ नहीं है। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को
और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।